the second place trophy tonight. It is going to competitor number 9, Justin Rodriguez, your 2021 IFBB Pro League New York Pro Men's Bodybuilding Champion is Nicholas Walker. Hello friends, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विकी मलिक. वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बॉडीबिल्डिंग. तो कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, न्यूयॉर्क प्रो 2021 हो चुका है खत्म एंड मैं आ चुका हूँ रिजल्ट लेके मेंस फिजिक क्लासिक फिजिक 212 डिवीजन एंड मेंस ओपन डिवीजन की. तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना. तो गाइज, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और गाइज मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहां पर भी मैं फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट डेली अपलोड करता हूं. तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम बात करेंगे मेंस फिजिक डिवीजन की. तो उसमें थर्ड प्लेसिंग सिक्योर किए हैं आर्यन सफाइस. सेकेंड प्लेसिंग सिक्योर किए हैं रॉड्रिक चेस्टर. और फर्स्ट प्लेसिंग सिक्योर किए दोस्तों एरिन बैंक्स. तो एरिन बैंक्स की फिजिक की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग फिजिक लेकर आए थे एरिन बैंक्स. खास करके उनका बैक बहुत ही ज्यादा टाइट सेपरेटेड एंड बहुत ही थिक लग रहा था दोस्तों. फ्रंट साइड से वो अनबीटेबल लग रहे थे. मिड सेक्शन काफी ज्यादा टाइट एंड बहुत ही इंप्रेसिव था दोस्तों. फिजिक की कंडीशनिंग टॉप नॉच थी. रिजल्ट काफ़ी फेयर लगा दोस्तों मुझे एंड एरिन बैंक डिजर्व करते थे फर्स्ट प्लेसिंग. एंड गाइज, एरिन बैंक जो कि क्वालिफाई भी हो गए फॉर मिस्टर ओलंपिया 2021. गाइज, अब हम बात करेंगे मेंस क्लासिक फिजिक डिवीजन की. तो उसमें थर्ड प्लेसिंग सिक्योर किया है सेबर फेवर्स ने. सेकेंड प्लेसिंग सिक्योर किया है जीक एंड्रोस एंड फर्स्ट प्लेसिंग सिक्योर किया है डानी यूनान. दोस्तों, मेंस क्लासिक फिजिक के जो विनर है डानी यूनान एंड सेकेंड आए जीक एंड्रोस की फिजिक को कंपेयर करते हैं तो दोस्तों, सच बताओ तो मुझे जीक एंड्रोस की कंडीशनिंग एंड ओवरऑल फिजिक की जो पैकेज है वो ज़्यादा बेटर लगी देन डानी यूनान. डानी यूनान भी इम्प्रेसिव थे बट जीक एंड्रोस की जो कंडीशनिंग थी दोस्तों वो टॉप नॉच थी. लेग्स के अंदर बहुत ही तगड़ी सेपरेशन नज़र आ रहा था. ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग के अंदर फाइबर्स नज़र आ रहे थे दोस्तों. मिड सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव टाइट था दोस्तों. बस थोड़ा सा जो कमी लगा मुझे दोस्तों वो था उनके बैक में. उनका जो बैक था उतना थिकनेस नहीं था उनके बैक में जैसे कि डानी यूनान के बैक में है. एंड गाइस, डानी यूनान से बेटर फिजिक मुझे जीक एंड्रोस की लगी. गाइस, आपको डानी यूनान एंड जीक एंड्रोस में से कौन सा बॉडी बिल्डर अच्छा लगा नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताओ. दोस्तों, अब हम बात करेंगे 212 डिवीजन की. तो उसमें थर्ड प्लेसिंग सिक्योर किया है नॉल आर्म ने. सेकेंड प्लेसिंग सिक्योर किया है जॉन जेवट ने एंड फर्स्ट प्लेसिंग सिक्योर किया है दोस्तों नेथन एपलर ने. दोस्तों, इस बार कंडीशनिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं जजेस इन न्यूयॉर्क प्रो 2021. नेथन एपलर जो कि बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर है दोस्तों, बहुत अच्छा कंडीशनिंग भी लाए है वो, बट उनके पास उतना साइज नहीं है जितना कि जॉन जेविट नोएल एडम के पास है. एंड मुझे उनके जो लेग्स हैं उनमें वो डीप कट नज़र नहीं आए जैसे कि आप लोग जॉन जेविट के फिजिक में देख सकते हो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जॉन जेविट को फर्स्ट प्लेसिंग देना चाहिए था बिकॉज वो डिजर्विंग थे एंड मुझे वो फार बेटर लगे देन नेथन एपलर. दोस्तों, मुझे 212 कैटेगरी के रिजल्ट थोड़े से अनफेयर लगे. जॉन जेविट की फिजिक की बात करूं तो बहुत अच्छी फिजिक थी दोस्तों, बहुत ही इंप्रेसिव कंडीशनिंग लाए थे जॉन जेविट. ओवरऑल पैकेज बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड मुझे ऐसा लगता है कि जॉन जेविट को ही फर्स्ट प्लेसिंग मिलना चाहिए था ना कि नेथन एपलर को. गाइस, अब जिस चीज का आपको इंतजार है वो रिजल्ट लेकर आ चुका हूं मेंस ओपन डिवीजन की. तो निक वॉकर जो कि विनर है न्यूयॉर्क प्रो 2021 के, सेकंड प्लेसिंग सिक्योर किया है जस्टिन रॉड्रिगस जो कि इंडी प्रो जीते थे दोस्तों. नंबर थर्ड पे आए हैं हसन मुस्तफा एंड नंबर फोर पर आए हैं डोरियन हेवुड. तो दोस्तों, निक वॉकर की जो फिजिक है
उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इस बार निक वॉकर ने अपना वन ऑफ द बेस्ट पैकेज लाया था दोस्तों, उन्होंने पीक हिट किया था इस शो में। निक वॉकर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे न्यूयॉर्क प्रो 2021 में, उनके जितना शार्प कंडीशन एंड ओवरऑल फिजिक बहुत ही तगड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नज़र आ रहे थे निक वॉकर ऑन द स्टेज। मुझे उनके लेग्स आउटस्टैंडिंग लगे दोस्तों, क्या कंडीशनिंग थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड ग्रेनी लग रहे थे दोस्तों। एंड गाइस, निक वॉकर जीत चुके हैं 2021 का न्यूयॉर्क प्रो एंड वो क्वालिफाई हो गए फॉर मिस्टर ओलंपिया 2021। तो गाइस, अगर निक वॉकर ऐसी फिजिक लेकर आते हैं मिस्टर ओलंपिया में इस साल, तो बहुत सारे एथलीट्स पर भारी पड़ेंगे निक वॉकर। गाइस, निक वॉकर अभी जस्ट 25 ईयर्स के हैं एंड उनका जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो मिस्टर ओलंपिया जीत सके। तो गाइस, आपको कैसी लगी निक वॉकर की फिजिक, कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस, मैं डेली वीडियोस डालता हूँ मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए #peaceout।